ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका, खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूँ आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। ए स्टेप संस्था ने म्युनिसिपल कमिश्नर और स्थानीय विधायक से मिलकर स्कूल शिक्षण बोर्ड को जवाब दिया है। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। उल्लासनगर म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड के प्रशासक ने पत्र लिखकर स्कूलों स्कूल प्रबंधकों से जानना चाहा था कि कोविड कालावधि में अपने स्टाफ और टीचर्स को कितना और कैसे पेमेंट कर रहे हैं। इस पर 10 नवंबर को एस्टेप नाम की संस्था ने पत्र लिखकर जवाब दिया है। इसकी प्रतिया स्थानीय विधायक कुमार आयलानी, विधायक गणपत गायकवाड़, विधायक बालाजी किनीकर को भी दी गई है। एस्टेप गैर अनुदानित स्कूलों, स्कूल प्रबंधकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, पालकों का एक संगठन है। इस संगठन के अध्यक्ष रेखा ठाकुर और सचिव विजय माखीजा है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने आज महानगर पालिका आयुक्त, उल्लासनगर म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड के प्रशासक व विधायक कुमार एलानी से मुलाकात की। सबसे पहले तो मोस्ट अवेटेड एसोसिएशन थी स्कूल मैनेजमेंट्स की एसोसिएशन, जो कि हाल ही में बनी है, अस्टेप एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट्स टीचर्स एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स। ये एक एसोसिएशन फॉर्म हुई है और इस एसोसिएशन के जो दो तीन, वैसे तो काफ़ी सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट जो अभी रिसेंटली जो कोविड के वजह से स्कूल्स को एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल में आ जाते हैं और स्कूल्स को फॉल्स एलिगेशंस लगा के सोशल मीडिया पे स्कूल का नाम खराब करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब ये जो एसोसिएशन बनी है तो पहले जो भी था वो वहाँ तक ही सीमित था, बट ये एसोसिएशन अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये अलाउ नहीं करने वाली है। एसोसिएशन की तरफ से हम अभी डीसीपी सर को भी एक मेमोरेंडम देने वाले हैं कि इमीडिएटली अगर कोई कार्यकर्ता आता भी है स्कूल में तो हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे और डेफिनेटली उस पर FIR की जाएगी। ये एक स्ट्रिक्ट नोट हम सारे, जैसे महेंद्र सर ने भी बोला कि हर स्कूल के बाहर ये बोर्ड ही लगने वाला है कि विदाउट परमिशन कोई भी आके वीडियोग्राफी या ऐसे ही आकर किसी भी ऑफिस क्लर्क को या टीचर को धमकाएगा नहीं, ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और आज का जो मुद्दा था, अशोक जी ने एक और चीज़ पूछी कि फीस में क्या राहत मिलेगी, तो जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर या उल्लासनगर या सबर्ब्स में, वो यही है कि ऑलरेडी कट ऑफ करके फ़ीस चार्ज की जा रही है, जो नॉमिनल चार्जेस हैं, जो चीज़ें नहीं दी जा रही हैं बच्चों को उनकी फ़ीस भी चार्ज नहीं की जा रही है, जो नॉमिनल चार्जेस हैं, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, टीचर्स बहुत पेंस ले रहे हैं एक्चुअली इस लॉकडाउन पीरियड में, तो पेरेंट्स अगर फ़ीस देंगे ही नहीं तो स्कूल्स चलेंगे कहाँ से। और फिर भी स्कूल्स जितने भी हैं, सारे स्कूल्स अपना जो भी रिज़र्व फंड्स हैं या कहाँ ना कहाँ से सारी टीचर्स जितनी भी उनके पास हैं सबको सैलरीज दी जा रही हैं, कोई भी ऐसा स्कूल उल्लासनगर में नहीं है जो अपने टीचर्स को फ़ीस नहीं दे रहा है। टीचर्स हमारी हैं,
इतने सालों से हमारे साथ हैं, उनके वजह से स्कूल्स चल रहे हैं, तो कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहता है और हो भी नहीं रहा है। तो आज हम लोग कुमार अलानी जी के पास आए थे, सारी एसोसिएशन, सब जो भी ऑफिस बियरर्स हैं, उन्होंने हमें ये भी राहत दी। जैसे महेंद्र जी ने ये भी बोला कि हमारे जो आरटीई के पैसे हैं, अगर वो भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे तो डेफिनेटली, और भी हमारी कई सारी ऐसी गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट से मांगे हैं जो कि हमने एमएलए जी को बताई हैं, एंड डेफिनेटली हमें विश्वास है कि वो गवर्नमेंट तक पहुँचेंगी। और साथ ही साथ आज हमने एसोसिएशन की तरफ से उल्हासनगर महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं उन्हें भी एक मेमोरेंडम दिया है कि स्कूल्स को वैसे तो और कोई भी राहत गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं मिली हैं, तो एटलीस्ट कॉरपोरेशन की जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं और वाटर बिल्स हैं उसमें अगर कुछ परसेंटेज रिबेट मिल जाएगा तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी सारे स्कूल्स के लिए। देखिए, आज AO जो उल्हासनगर हैं उन्होंने सभी स्कूल को एक लेटर दिया कि आप साथ में आइए और कुछ मुद्दे टीचरों के हैं वो आप सुलझाइए। तो यहाँ पर आने के बाद में सब मुद्दे यहाँ पर सुलझ गए। टीचरों की सैलरीज के बारे में था, वो सैलरी सब स्कूल दे रहे हैं, उन्होंने इधर आके सभी ने माना कि हम लोग दे रहे हैं और आगे आने फ्यूचर में भी हम लोग उनको हेल्प करेंगे, क्योंकि टीचर्स ही एक मैनेजमेंट का हिस्सा है और टीचर्स नहीं होंगे तो स्कूल भी नहीं होगा, और हम टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए हम मान सम्मान आगे देंगे। हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग राहत देंगे, पर जहाँ पैसा आएगा तो उसको बांटा जाएगा। जब स्कूल्स में कुछ आएगा, मैं भी मानता हूँ कि टीचर्स एक हिस्सा हैं और टीचर्स अगर स्कूल में फीस आएगी तो टीचर्स को पगार भी मिलेगी। पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि हम किसी के साथ कोई गलत नहीं करेंगे और आगे टीचर्स, जैसे ही अभी गवर्नमेंट ने हमें डिक्लेयर किया कि स्कूल्स खुलेंगे तब पेरेंट्स और सब टीचर्स साथ में आएंगे और उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और छोटी सी बात है, और फॉल्स एलिगेशन, सारे फॉल्स एलिगेशन थे कि आपने इनको निकाला है, एग्ज़ाम नहीं लिए, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सभी ने एग्ज़ाम लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ सो हमने MLA साहब और AO को ये बात रखी, हमारी एसोसिएशन ने उनको लेटर भी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दे ऑल आर फॉल्स एलिगेशंस। कुछ लोग हैं जो जानबूझ के व्हाट्सएप पे, सोशल पे मैसेज डाल रहे हैं। 90% पेरेंट्स स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। वी हैव वेरी गुड रिलेशन, असाओ उन्हें डाढ़ो सुठो रिलेशन है एंड हमेशा रहो। उन्होंने कहा कि हम लोग टैक्स, पानी का बिल वहाँ पे भी हम लोग रियायत कराएंगे, और हमारे सभी स्कूलों का RTI पेमेंट होता है, RTI का, वो काफ़ी पेंडिंग है। अगर वो स्कूलों को मिल जाती है ना तो 4-6 महीने सैलरी उन्हीं में से निकल जाएगी जो लॉकडाउन में अभी तक सब लोगों ने चलाई है, लेकिन अगर पीछे 4 महीना और ये तकलीफ कंटिन्यू रहती है तो RTA का पैसा अगर हम लोग को मिल जाता है तो उसमें से सैलरी आराम से निकल सकती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राकेश पाटिल के हथियारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उनको रिमांड पर भेजा है। इस मामले में पुलिस ने अब तक डी मोहन, भारत पाटिल, विनायक पिल्ले, अख्तर खान, विजय दासी, राजा दासी, रमेश दोहर को गिरफ्तार किया है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मंजीत सिंह बग्गा, ACP विनायक नरले ने इस हत्या के मामले में जांच की है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। स्थायी समिति सभापति चुने जाने के बाद विजय पाटिल ने उल्हासनगर वासियों को आश्वासन दिया कि सबको भरपूर पानी मिलेगा। सत्ता पक्ष ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली है कि सबको भरपूर पानी मिले। आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना। उल्हासनगर के कई सारे जगहों पर अब पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है, काफ़ी मोर्चे भी निकाले गए अभी बीच बीच में, तो किस प्रकार से उल्हासनगर महानगर पालिका इस विषय को देखती है और क्या निर्णय लिए गए? आज वाटर सप्लाई का कमिश्नर साहब के साथ वाटर सप्लाई, टैक्स डिपार्टमेंट, PWT, सब जितने भी मेन अधिकारी है उनकी बैठक हुई। इस बैठक में सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई के ऊपर फोकस किया, और उस फोकस में कमिश्नर साहब ने उनको आदेश दिया है कि दीपावली में किसी भी तरह का पानी का जो वितरण है, जो कर रहे हो, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, हर जगह पे पानी पहुंचना चाहिए, और दीपावली के बाद में हर घर में कम से कम 1-1.5 घंटा पानी जहाँ नहीं जाता है वहाँ पहुँचना चाहिए, ऐसी कमिश्नर साहब ने गवाही दी है। और उल्हासनगर शहर में कई जगहों पर
पानी की पाइपलाइन लीकेजेस भी है, उसके वजह से लाखों लीटर पानी वेस्ट होता है, इस पर किस प्रकार से रोशनी डालेंगे? आज ही मीटिंग में ये पूरा सोनावने साहब को आदेश दिया है कमिश्नर साहब ने कि जल्द से जल्द 8 दिन के अंदर मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए कि कहीं पर भी लीकेज आए वो लीकेज बंद होना चाहिए, 8 दिन में कहीं पर भी लीकेज नहीं रहेगा, ऐसा आदेश कमिश्नर साहब ने सोनावने साहब को दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। टीम ओमी कालानी ने अपने नगर सेवकों के साथ गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड से मुलाकात की, आइए देखते हैं पूरी खबर। जी, टीओके के जितने भी नगर सेवक हैं उनकी जो है बैठक हुई थी हाल ही में और जितेंद्र अवार्ड जी भी मौजूद थे, तो किस प्रकार की बैठक थी और क्या विचार विमर्श इस पर किया गया था? कल शाम को गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड जी से टीओके के प्रमुख ओमी कालानी जी और हम सब नगर सेवकों ने यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, फॉरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पुतु राजवानी जी, सभी अध्यक्ष और हमारे सेल अध्यक्षों के साथ में जो हमारे प्रमुख सभी नगर सेवक हैं, हमारे नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, नारायण पंजाबी जी जो वरिष्ठ नगर सेवक हैं, सभी नगर सेवकों के साथ हम कल जितेंद्र अवार्ड जी से मुलाकात की, क्योंकि शहर की जो हालात है वो बहुत खस्ता हालात है और धोखादायक बिल्डिंग है। एक तरफ का मनपा कार्रवाई कर रही है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, उन वर्ष के लिए हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। आज शहर का आमदार चुप बैठा हुआ है, जिनको विधानसभा में अपनी आवाज़ उठानी थी वहाँ पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे। ये सब चीज़ों को लेकर शहर के विकास काम रुके हुए हैं, शहर की सड़कों की हालात खराब है, ये सब चीज़ों को देखकर और उल्लासनगर के आम नागरिकों की व्यवस्था को देखकर, किस तरीके से आज दुर्व्यवस्था हुई है शहर की, उस सब चीज़ों को देखकर आदरणीय ओमी कालानी जी की अध्यक्षता में कल गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड जी से एक बैठक हुई, सकारात्मक बैठक हुई। सकारात्मक बैठक में निर्णय भी अच्छा हुआ है, आने वाले दिनों में शहरवासियों के लिए खुशखबर होगी और वो ऐसी होगी कि जो दंड जो तत्कालीन राज्य की सरकार ने हमको FSI तो मिल गया, पर तत्कालीन राज्य की सरकार ने दंड बहुत ज़्यादा लगाए थे और कोई भी व्यक्ति शहर के आगे आकर वो दंड भरने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दंड है, उस दंड को कम की जाए, ऐसी ओमी कालानी जी ने जितेंद्र अवार्ड जी से मांग की है और उस मांग को स्वीकार करते हुए राज्य की आने वाली राज्य की सरकार से भी हम जितेंद्र अवार्ड जी की अध्यक्षता के माध्यम से और ओमी कालानी जी की अध्यक्षता में हम राज्य की सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ये काम हो और हमारे शहर को राहत मिले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने युवा कार्यकर्ताओं के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इसमें प्रदेश के नेता महबूब शेख ने युवा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रवादीची उल्लासनगरची परिस्थिती अतिशय चांगली आहे। त्यावेळेला राष्ट्रवादीच्या उल्लासनगरचे कार्यकर्ते सगळ्या सेलचे प्रेसिडेंटचे अध्यक्ष नेमलेले आहेत। मला वाटतं हे महाराष्ट्रातल्या ज्या काही 10 चांगले जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यामध्ये सगळी कार्यकर्ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आहे, त्यात उल्हासनगरचं नाव प्रामुख्याने मला वाटतं घ्यावं लागेल आणि एक चांगली कार्यकर्ती असल्याचं पक्ष संघटना चांगली असल्यामुळं निश्चितपणाने उल्हासनगरमध्ये पक्षाची परिस्थिती आगामी काळात अजून चांगल्या रीतीनं पक्ष मजबूतीने उभा राहील याच्यामध्ये माझ्या मनामध्ये शंका आहे। शहरात 2 आढावा बैठक घेण्याचं कारण काय सर? नाही, ही जी आढावा बैठक आहे ती राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसची आढावा बैठक आहे आणि आज या ठिकाणी जी बैठक घेतली ते भरतजी गंगोत्री साहेब आणि सोनिया मॅडम यांच्या विनंतीवरून आज इथल्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी मी येत होतो। तर त्याच वेळेला युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक, त्यांनी केलेलं काम हे पाहण्यासाठी आढावा बैठक केली आणि पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणं वेगळं, दोन बैठकी वेगळ्या। अभी पार्टी के विरोध में जो काम किया है उसके मैंने अभी सोनिया मैडम से कहा है कि आप लिखित में उसके सब पुरावे मेरे पास भेजो, उसके बाद हम पार्टी के तरफ से अगर वो उसमें दोषी रहेगी तो कार्रवाई 100% कर सकते हैं। सर, अशाच प्रकारे जर स्लो प्रोसिजर झाली असती तर महाराष्ट्रात तुमची सरकार पण बसली असती। जर अशाच प्रकारे जर स्लो प्रोसिजर झाली असती तर महाराष्ट्रात तुमची सरकार पण बसली तर तुमची फास्ट प्रोसिजर होती, तर स्लो प्रोसिजर नाही सर। आता अजून सोनिया मॅडम इथं आहेत, मी आत्ताच त्यांना सांगितलं की हे सगळं जे भाषणात आता सांगितलं गेलं आहे ते सगळं तुम्ही शहराच्या अध्यक्ष आहात, तुम्ही या शहराच्या सगळ्या फ्रंटच्या प्रमुख आहात, त्या नात्यानं तुम्ही तुमच्या लेटरहेडवर मला एक कंप्लेंट पाठवा, पक्षात एक प्रक्रिया असली, जर माझ्यावर एखाद्याने आरोप केला माझी तक्रार त्यांनी खादर बॉडीच्या प्रदेशाध्यक्षाकडे केली त्याचे पुरावे दिले तर त्यांना देखील मला 7 दिवसाचा वेळ द्यावा लागतो की तुमचा खुलासा सादर करा, मग तो खुलासा मान्य करायचा का अमान्य करायचा ते पुरावे दोन्ही गोष्टी तपासल्याच्या नंतरच कारवाई होते। वर्तमान में जो उन्होंने काम किए हैं वो
जो पार्टी विरोधी काम किया है, जैसे 2017 के इलेक्शन में युवक अध्यक्ष है नरेश सालवे, 2018 बाय इलेक्शन थी जिसमें हमारे कैंडिडेट थी राष्ट्रवादी की तरफ से सुमन सर थे, उनके विरोध में उन्होंने जो काम किया वो हमने उनके सामने संज्ञान में लाया है कि ऐसे पदाधिकारी अगर रखे जाएंगे, और हमने उनको ये भी बताया है कि एक बार जो घर में पद लेते हैं और उनके ही घर का दूसरा मेंबर पार्टी विरोधी काम करता है, और जब पक्ष में हम लोग कंप्लेंट देते हैं कि भाई इनका मेंबर ये कर रहा है, तो वो बोलते हैं कि भाई ये पार्टी का मेंबर थोड़ी है। तो हमने बताया कि अगर जिस तरह से अगर पार्टी के विरोध में काम करेंगे, एक को पद रहेगा दूसरा पार्टी के विरोध काम करेगा, तो ये चलेगा नहीं। किधर न किधर हमारे जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिरता है, उनका विश्वास बना रहे और ज़्यादा पार्टी से लोग जुड़े, तो जो पार्टी के निष्ठावान लोग हैं, जो पवार साहब की विचारधारा को मानते हैं, ऐसे ही लोगों को अगर पार्टी में पद मिलेगा और उनके बांधने के लिए और पक्ष बनाने के लिए अगर उनको संधि मिलेगी, तो हमारा पक्ष उल्लासनगर में एक नंबर पे आएगा। तो हमने ये उनको संज्ञान में लाया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भाजी विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शहाड सेंचुरी रियोन पे रास्ता रोको आंदोलन किया। उनका कहना है कि महानगर पालिका ने एन दिवाली के मौके पे पूर्व सूचना नहीं देते हुए उनकी गाड़ियां तोड़ के उनको नुकसान पहुंचाया। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। महानगर पालिका ही जनतेला त्रास देण्याचं काम ठरवलेलं आहे महानगरपालिकेने। अतिक्रमण जबरदस्ती अतिक्रमणावरती अतिक्रमणाची खोटी कारवाई करून गरीब लोकांना त्रास देत त्रस्त करतायत। तक्रार ते सांगेल तुम्हाला, त्या राजकारणाचा भाग झाला तर नंतरचा भाग आहे, ते पण तुम्हाला नंतर सांगेल। पण हे ही कारवाई करणं योग्य आहे का तुम्ही हे आम्हाला चांगल्या प्रकारे ते सांगा, नाहीतर आम्हाला मार्केट द्या, पर्याय जागा करून द्या आम्हाला। इथे जवळजवळ 20 ते 25 हजार मतदार आहेत, 20 ते 25 हजार मतदार आहेत, त्या लोकांना खाण्यासाठी भाजीपाला, त्यानंतर 10 ते 15 हजार फेरीवाली आहेत, त्यांच्यासाठी काय आहे। आणि आता आता जवळजवळ 10 ते 12 हजार लोकांनी महापालिकेने त्यांना कर्ज दिलं आहे, ते जे आता नरेंद्र मोदींनी 10 हजार रुपये कर्ज देण्याचं ठरवलं आहे, आणि त्यात कर्ज दिलं आहे, ते कर्ज कसं फेड करणार। लॉकडाऊनमध्ये एकतर लोक त्रस्त आहेत, त्यात आता सणासुदीला आहे, सणसूद कसा साजरा करायचा लोकांनी हे सांगितलं पाहिजे ना कोणीतरी। काय झालं, काय 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 मागणी काय आता तुमची? आमचं म्हणणं काय, आम्हाला इथं का दोन पाट्या, पण आम्हाला इथंच लावू द्या। आम्ही 25 वर्ष झाली इथं धंदा करतोय, जवळजवळ त्यांचं म्हणणं आहे तुम्ही रस्ता अडून आमच्या सगळ्या साईडला दुकान आहे, दुकानाला प्रत्येक दुकानवाल्याच्या पुढे दुकानाला रस्ता नाही, जागा आमच्या दुकानाला कंप्लेंट नाही कोणा, दुकानवाल्याने कंप्लेंट केली, त्यांनी सांगितलं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हमने कुछ दिनों पहले खड़े गोलावली रास्ते और रास्ते की दोनों तरफ की नालियों की खबर दिखाई थी। इस खबर से प्रभावित होकर वहां के नगर सेवक विक्रम तड़े ने इस रास्ते और नालियों का काम कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। आज अपन प्रभाग क्रमांक 104 मध्ये उभे आहोत, ओधरम नगर येथील रस्त्यावर। येथील नगरसेविका माझी मिसेस मोनाली विक्रम तड़े आहे, त्यांनी बरेच प्रयत्न करून ह्या रस्त्याचे काम पूर्ण करून घेतले। बऱ्याच वर्षापासून ह्या रस्त्याचे काम झालेले नव्हते, या विभागात नगरसेवक असताना मीही प्रयत्न केला आणि हा रस्ता बनवलेला होता, परंतु त्यावेळेला रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गटारे बनलेली नव्हती, त्यामुळे लवकरच हा रस्ता खराब झालेला होता। बरेच लोकांनी इथे त्रास केला काढला आणि बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात माझ्याकडे या रस्त्याविषयी मागणी होत होती। मी माझ्या मिसेसला सांगून महासभेत विषय घेतले, तसेच तिचा स्वतःचा जो नगरसेवक निधी असतो तो उपलब्ध करून ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण आता करून घेतलेले आहे। सगळे नागरिक आपल्यावर बरेच खुश आहेत, खूप बोलत आहेत की
खूप चांगलं काम झालेलं आहे. तर नागरिकांनी खूप चांगलं सहकार्य केलं. बरेच वर्षा रस्ता बनलेला नसतानाही त्यांनी मला सहकार्य केलं, मला प्रेम दिलं, त्याबद्दल मी त्यांचाही खूप खूप आभारी आहे. पुढेही ते माझ्यासोबत असतीलच आणि त्यांचे काम माझ्याकडून माझ्या मिसेसकडून असेच होत राहतील हीच इच्छा बाळगतो. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. शिक्षण संस्थाएं खुलने की बातें की जा रही हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस खुलने की बात कोई नहीं कर रहा. इसी पे कोचिंग क्लासेस संस्थाओं ने आंदोलन करने की है तैयारी. आइए लेते हैं इस पे एक रिपोर्ट. कोचिंग क्लासेस संगठना की महत्वपूर्ण बैठक पार हुई. अनलॉक में कोचिंग क्लासेस और शैक्षणिक संस्थानों और साथ ही दारू की दुकान और बार, जिम खाना और लाइब्रेरी, ऐसी कई सारी चीज़ें चालू हुई. परंतु एकेडमी क्षेत्रों की बात करें तो सरकार के पास कोई भी नीति नियम रेखांकित नहीं. मूल रूप से सरकार के पास इस मामले में बेशक दिखाई दे रहा है. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. धनतेरस के बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के वासुदेव सचदेव जी. सनातन धर्म की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, यमराज देवता की जय. सभी भक्तों को बता दें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 13 नवंबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का पावन दिवस है. इस दिन आप सुबह को स्नान करके सूर्य तुलसी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद गणपति जी की पूजा करें और पूरा दिन श्री गणेशाय नमः का जाप करें. शाम को ठीक 7 बजे यमराज देवता की पूजा की जाती है. वो इसलिए कि हमारे जो अकाल मृत्यु है वो दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है. हमारे परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है. उसके सदगति के लिए हमें मुख्य द्वार पे रात को 7 बजे बड़ा मिट्टी का दिया जलाने का है. दो, एक बाजू सरसों का तेल और दूसरे बाजू तिल का तेल डाल के वो जला के अगरबत्ती जला के ऐसे प्रार्थना करनी है कि हे यमराज देवता, आपके जो जम है हमारे जो है मृत्यु अकाल न होवे, उनके लिए आप हमें आपका ये दीप जला रहा हूँ. हमारे घर में खुशियों का भंडार रहे, कोई भी अब अशुभ कार्य न होवे, मृत्यु न होवे. क्योंकि अकाल मृत्यु क्या होती है, माँ के पेट में कोई गुजर जाता है, कोई फांसी लगाता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई आग लगा के जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, वैसे ही जो होती है हॉस्पिटल में मर जाता है. तो इनकी ये मृत्यु न होवे, लाइट सर्कल में मर जाता है, तो इसकी गत नहीं होती है. ये 84 लाख जूनियों में भटकता रहता है, अशांत रहता है, दुख पीड़ा सहनता है. इसके लिए आप हमारे परिवार के ऊपर आप आज दया करें, क्योंकि आपके यमदूतों ने भी आपको ये कहा था कि अकाल मृत्यु जो होती है वो बड़ी दुखदायक होती है. एक कन्या थी, उनको जब भी राजा कालर राजकुमार ने विवाह किया तो 4 दिन के बाद गुजर गए, मर गए. तो वो हैरान हो गई, तब भी यमराज हैरान हो गए कि अभी शादी किया है 4 दिन के बाद ऐसा यू हो गई है विधवा. तो ऐसा दुख बताया. और इनकी यमुना मैया, जब हम नहाते हैं यमुना मैया है जो मथुरा वृंदावन में, वो उनका भाई यम है. यमराज से वो बोली कि अकाल मृत्यु न होए, इसलिए आज धनतेरस के दिन आप के जो नाम पे दिया जलाएगा पूरी रात, और उनके दिए के नीचे कच्चे चावल रखने का है, दूसरे दिन वो कच्चे चावल पक्षियों को खिलाने का है, और जो दीपक है दिया है वो आपको जल में डाल के आने का है. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. हर साल की तरह इस साल भी जनता जनार्दन परिषद ने जनहित में जरूरतमंद लोगों को जीवन आवश्यक सामग्री बांटी. आइए जानते हैं इस बारे में अधिक जानकारी डॉक्टर दयाल आशा से. परम पूजनीय सदगुरु स्वामी शांतिपाल महाराजन, स्वामी देवपाल महाराजन, प्यारे दादा जसवा स्वामी जे आशीष सा हर साल प्यारे जे शुभ मौके दे जनता जनार्दन परिषद तरफा सफेद पोश भेनर के अटकल 1,00,000 रुपया रोक सहायता, चावल, दाल, खंड, मिठाई जा पाकेट, चिनकाई थेलियों, मोमबत्तियों, गाउन डिना वजन था. इन में इन भारों जो सहयोग है उनके धन्यवाद है, जेके सेवा में सहयोग जन था. वड़ी कृपा प्रभु श्री राम जी भगवान जी जैसे कृपा से सेवा कार्य थींदा रहंदा. ॾियारीअ जो शुभ संदेश आहे त असीं मिठा थियूं, मिठायूं खाऊं था, पर असांजी दिलि मिठी कान्हे. असांजी ज़बान मिठी हुअणु घुरिजे, असांजी दिलि मिठी हुअणु घुरिजे, ऐं प्रेम सां प्रभु श्री राम जो सुमरण कयूं.
राम के नाम को पारस जानो, कर देगा मन सोना मानो। शरण राम की लाग रे प्यारे, शरण राम की लाग, तेरा भूल जाएगा भाग। शबरी भीलनी हुई पर सद रग रग में हो राम राम, ऐं भगवान राम की जंगल में वनी करे भीलनी जा जूठा बेर खाए थो। के ऋषि भीलनी ते कावर कंदा हुया। हिकिड़ो ऋषि सुबह सवेल सनान करण वञे थो, भीलनी रस्तो साफ़ पई करे छॾण जो पल हुनखे अटकी पियो आहे, त पाण खे अशुभ हुनखे सम्झी करे पंपासुर में सनानु करे थो। जीअं ई पंपासुर में सनानु करे थो त पंपासुर जो पाणी ख़राबु थी वञे थो, इहो हुनजे कावड़ जे करे, गुस्से जे करे, ऐं पोइ उहो ॾोहो मड़ियो वञे थो भीलणीअ ते, त हिन पंपासुर जो पाणी ख़राबु कयो आहे। प्रभु श्री राम जॾहिं अचे थो, ऋषि चवनि था असांखे तकलीफ़ आहे प्रभु, असांजो पंपासुर पवित्र सफ़ेद पाणी पवित्र पाणी असां पीअंदा हुआसीं, हाणे महरूम रहिजी विया आहियूं, तव्हां हुन में पेर घुमायो। भॻवानु राम लक्ष्मण ऐं भीलणी ऐं के ऋषि अचनि था पंपासुर ते, भॻवानु राम खे चए थो लक्ष्मण खे, लक्ष्मण तूं पेर घुमाए हिन पंपासुर में। उहो चरण घुमाए थो पर पाणी ओड़ो जोड़ो, तॾहिं प्रभु श्री राम भीलणी खे चए थो त तूं हुन पंपासुर में चरण घुमाए। उहा अॻियां मञी करे भीलणी प्रवेश करे थी पंपासुर में, जीअं प्रवेश करे थी तीअं उहो पाणी पवित्र थी थो वञे, साफ़ थी वञे थो। इहो कौतुक ॾिसी करे सभई ऋषि मुनि वाइड़ा थी था वञनि, त प्रभु पंहिंजे भक्तियाणी भीलणीअ खे शबरीअ खे एॾो महत्व ॾिनो, छाजे करे हुनजे प्रेम जे करे, ऐं ॾिसण खे पोइ महसूसु कयो त हीअ सची भक्तियाणी आहे। असां हिन अशुभ सम्झूं था पर सची भक्तियाणी आहे, जो प्रभु श्री राम हुनजे कुटिया में आयो आहे, हुनजा जूठा बि रखा था अथई, ऐं उनजे अॻियां असां पंपासुर में चरण घुमाए अथई, तो पाणी साफ़ु थी वियो। अहिड़े प्रभु श्री राम खे वंदना वार वार ॾियारीअ जो करोड़ करोड़ अरब अरब वाधायूं सभिनी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। वसुबारस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित होता है और आप हमें कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर और ईमेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।